स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? ए महाशिवरात्रि, बी श्रावण पूर्णिमा, सी नवरात्रि, डी दिवाली। आंसर बी श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन, वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 19 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, सूर्योदय के समय पूजा के साथ संपन्न हुई। पिछले 52 दिनों से चल रही अमरनाथ यात्रा में लगभग 5 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। महंत स्वामी दीपेंद्र गिरी द्वारा ले जाई गई छड़ी मुबारक, भगवान शिव की चांदी से बनी गदा ने सोमवार सुबह पंचतरणी से पवित्र गुफा तक अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। इस वर्ष ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला बिहार और केरल के बाद तीसरा राज्य बन चुका है। महिला कर्मचारियों को एक दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन लिया जा सकता है। भाजपा सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य नीति शुरू करने का वादा किया था। अगला प्रश्न, सरकार आयुष को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल करेगी? ए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सी आयुष्मान भारत योजना, डी जननी शिशु सुरक्षा योजना। आंसर सी आयुष्मान भारत योजना। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत शामिल करने का फैसला किया है। ABPMJAY माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। इससे 12.34 करोड़ परिवारों के अनुरूप 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ए अट्टम, बी गुलमोहर, सी कंतारा, डी पूचाए। आंसर ए अट्टम। एक्सप्लेनेशन, आनंद एकाशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म अट्टम ने यौन हिंसा को संबोधित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये एक मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें विनय फोर्ट, कलाभवन शजोहन, जरीन सिहाब और जॉली एंटनी जैसे कई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अहम किरदारों में मौजूद हैं। अगला प्रश्न, ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू के कौन से वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? ए डेंगियोल, बी ऑल डेंगी, सी डेंगी प्री, डी प्री डेंगू। आंसर ए डेंगियोल। एक्सप्लेनेशन, ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगियोल का चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। इस परीक्षण में पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगियोल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है।